मैं शीतल टंडन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। दीपावली का पर्व आया है, व्यापार मंडल पहले से ही स्वदेशी आंदोलन का पक्षधर रहा है और इसका प्रचार प्रसार लगातार कर रहा है। और बड़ी हर्ष की बात यह है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई, तो इन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन देने के लिए, स्वदेशी के प्रोडक्ट्स को देने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और प्रेरणा दी लोगों को, एक आंदोलन चलाया। व्यापार मंडल ने उसको सपोर्ट किया। उसका परिणाम ये निकला है कि अगर सहारनपुर ज़िले में 300 करोड़ रुपए के पटाखे या विदेशी सामान आ रहा था, तो वो एक चौथाई अब रह गया है पिछले दो सालों के मुकाबले में। इसमें दो बातें हैं, हमने जन जागरूकता अभियान चलाया, स्वदेशी अभियान चलाया, हमारे छोटे कामगारों को, कुम्हारों को, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को, दिए बनाने वालों को, हम एक पारंपरिक और भारतीय ढंग से और पुरानी परंपराओं के अनुसार ये दीपावली का त्यौहार मनाएं, और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिल रही है। मुझे इस बात की मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी है, दियों की मांग बढ़ी है, मोमबत्ती की मांग बढ़ी है, और चाइनीज लड़ियों की और दूसरे सामान की मांग मैं समझता हूँ कि एक चौथाई रह गई है। और ये देखिए कि अगर सहारनपुर में अगर आप अंदाज़ा लगाएं, 3 करोड़ की बजाय अगर 300 करोड़ की बजाय 50 करोड़ का काम रह गया, तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर लगाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि अरबों रुपए का जो हमारा विदेशों में रुपया जाता था, वो हमारे देश में लगेगा। इससे रोज़गार बढ़ेगी, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, और त्यौहारों को हम स्वदेशी के रूप में मनाने के उल्लास के साथ जो है हम मनाएंगे। इसमें सभी का लाभ है, सरकार भी इसमें बधाई की पात्र है, केंद्र सरकार भी बधाई की पात्र है, राज्य सरकार भी, और व्यापार मंडल और दूसरे जागरूकता संगठन जो इसमें भी जुड़े हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और मेरा ये मानना कि अगले साल तक ये शून्य हो जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि स्वदेशी से बढ़कर कुछ नहीं है। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, आज आम जनता के लिए हमारा ये कहना है कि वो स्वदेशी अपनाएं, भारत में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें। दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो या दैनिक उनका कोई भी दिनचर्या हो, उसमें देश में बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करें। ये राष्ट्र हित में भी है, देश हित में भी है, स्वराज हित में भी है, और हम सबके हित में भी।